स्वर जगत धात्री संहार कारुणमाये नारायणी नमस्तुते। जय गेक कटाक्ष से भगवती उत्पत्ति संसारिकी। जय माया दिगवंदन हरि भगवती। जय माता परमेश्वरी। मारिने सुम निशुम्भ भगवती तुमने भक्तों की बाधा हरी। जय त्रिभुन अखिल परमेश्वरी भगवती सब भक्तों की तू रक्षा करी। नारायणी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी। जगत वंदनी देवी माधारी नमोस्तुते। नमस्कार। जय माधारी देवी। माधारी देवी का सभी भक्तों ते और अपरा इष्ट देवी देवताओं का श्री चरणों मां ध्यान धरण वाला और उनको मन से स्मरण करने वाला उन भक्तों ते आचार्य श्री सुंदरियाल को बार बार प्रणाम। मेरा ज्येष्ठ श्रेष्ठ भैवंदों आप सब ते प्रणाम। विशेष बात यच कि आज आप सब ते साक्षात माँ भगवती का दर्शन होना छन। ये बड़ी सौभाग्य की बात छ। और माँ भगवती आपको कल्याण करो, आपकी जय वृद्धि हो, आपकी जय हो, विजय हो, दिन दुगनी हो, रात चौगनी हो। माँ भगवती आपकी दीर्घायु की प्रार्थना कर दो। जब भैबंद जुड़िया छन और जो हॉर जुड़ला और जो देखला और जो नींव देखला हूँ ते भी जय माँ भगवती। तो भैबंदों और माँ का भक्तों बात अब सीधा जय का कारण क्या को नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम एक चलनी चाहिए थोड़ा दिक्कत। तो वे का कारण हमारे जो एक माँ धारी देवी डोली पेज हिंदी में आप टाइप कर ले तो ऐ जालू। वैसे हम लाइव ऑन चाहना था पर वे का नेटवर्क नहीं मिल सकना हमते। तो ये का कारण हमते मैं ते अपरा ही फेसबुक आईडी से ही लाइव ऑनो छोमी और अपनी बात आप तक है पहुँचाना छो। अगर आपकी चचकी या आपका कक तक है पहुँच सकता अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिया। मंत्रार्थं जगतम विचित्र मंत्र किम परिपूर्णा करुणांशिन्मयी अपराधि परा परा परम नहि माता समपेक्षते सुतम मत्समं पातकी नास्ति पापाग्नि त्वसमान हि एवं ज्ञातं महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ताये दिव्या माँ धारी देवी डोली यात्रा 2021 ये बार बड़ा हर्ष और उल्लास का साथ प्रारंभ होनी चे। 7 फरवरी दिन रविवार को यगवटन माँ धारी देवी का ये थान से माँ धारी देवी की डोली यात्रा यगवटन प्रस्थान कन और 27 फरवरी तक है माँ धारी देवी को 21 दिवसीय आयोजन छ। यह आयोजन में आप सभी यथावत रूप से आमंत्रित छा। विशेष बात कि 7 फरवरी से 8, 9, 10, 11 फरवरी को भगवतीन रुद्रप्रयाग का संगम मा या रुद्रप्रयाग मा रुद्रेश्वर महादेव मंदिर या वे कोई चयनित स्थान हमते कन पुड़लू तो वह हम भगवतीन संगम मा स्थान कन या मंदिर मा जो भी होलू आपते पता चल जालू। और 11 तारीख स्थान का बाद 12 तारीख भगवतीन विदा भेगी ते 12 तारीख श्रीनगर वे का बाद 12 तारीख देवलगढ़ और राजराजेश्वरी का दर्शन करीते हैं। 13 तारीख पौड़ी गढ़वाल की दिव्य भूमि मां भगवती की देव डोली पहुंचनी छ। 14 तारीख कोटद्वार 15 तारीख हरिद्वार का क्षेत्रों मां जो निकटवर्ती क्षेत्र छन हरिपुर कला रायपुर रायवाला इत्यादि। और 16 तारीख भगवतीन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त पर भगवतीन मन स्नान लेण मां भगवतीन। 16 तारीख वे का बाद रुड़की और रुड़की के बाद 17 तारीख रात्रि मेरठ माँ की देवडोली पहुँचनी छ।
17 तारीख वो बटन दिल्ली की ओर प्रस्थान करने भगवती दिन मा, और 17 तारीख बटन और 26 फरवरी तक है, 17 फरवरी बटन 26 फरवरी तक है जो देवी की देव डोली दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में, दिल्ली का अन्य क्षेत्रों में सभी भक्तों का बीच में मां दर्शन देनो थे ओली। अभी हम वे तैयारी करना चाह तो पहली बात 5 तारीख मां की देव डोली की जो यात्रा की मीटिंग छ, 5 तारीख को पौड़ी मां छे हमारी भूल, परसों 6 तारीख होते पौड़ी मां छे, आज 5 वे भूल 6 तारीख पौड़ी मां, 7 तारीख कोटद्वार मां छे और 8 तारीख फिर हमारी अग्नि की हरिद्वार इत्यादि क्षेत्रों में मीटिंग छे। वे का बाद जो छे हम 13 तारीख दिल्ली मां दिल्ली गढ़वाल भवन पंचकुया रोड निकट झंडे वालन मेट्रो स्टेशन वह हम दोपहर 2:30 बजे बटन हम वह हम पहुंचना चाह स्वयं भगवती अगर राजी खुश लग रही तो हम आपा बीच में आना चाह और पूरी बात लेके आना चाह। वे का बाद पूरी यात्रा की हमारे रूपरेखा वक्त तैयार हूं दिल्ली बटन चाहो देवताओं की दिल्ली छे और देवताओं की सभा इंद्र की घटा वक्त बटन छुटने तो आप सभी दिल्ली प्रदेश का या उत्तराखंड प्रदेश का जग भी जनमानस माँ भगवती का भक्त जन आप सभी तय निमंत्रण 7 फरवरी को यज्ञ बटन 7 फरवरी बटन और 12 फरवरी को जो बीच को या को ये को जो संयोजन छे ये को यात्रा को जो हमारा प्रतिनिधित्व करना छन माँ धारी देवी का परम जो हमारा भक्त छन और मुख्य यजमान छन डोली यात्रा का परम श्रद्धे आदरणीय संजय शर्मा धर्मोड़ा जी हमारा यह केदार घाटी में हम ते भ्रमण करवाना छन भगवती ते और उनका शासन के भगवती ने आज्ञा दे उते कि भाई केदार खंड की भूमि पर मैंने भ्रमण करने ते भगवती ने पिछली बार आदेश दे सो पंचप्रयाग स्नान करने ये बार केदार खंड की भूमा केदार घाटी बोली तो हमने ये बार धर्मोड़ जी से संपर्क करी क्योंकि जन्म सिद्ध की भूमि छ जन्म स्थान की भूमि छ तो हमने उसे संपर्क करी और हमारे एक ही बार मा उन ये बात स्वीकार करी कि ठीक है हम जो है 7 तारीख बटन और जो 12 तारीख तक है वे को पूर्व निर्वाण जो चे हम कर ला तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मोड़ जी ते भी हमारे गोसाई जी पौड़ी मा हम दगड़ी छन हमारा देवरानी जी हम दगड़ी छन और अनेक करें बॉस में नौ क्या करनी पहुंचाना छो परंतु क्या करन जब जीव हमारे जाना वे का बाद यज्ञ बटन जो चे हम ये बार बहुत ही कम जो हमते आदेश हुआ छन मात्र 9 व्यक्ति ही हम जो चे संख्या मापो छना छन और सबसे अच्छी बात यह छे कि 9 व्यक्तियों का साथ साथ जो हम 7 या 8 जो होना छन पिछली बार बहुत सारा भक्तों के मन में दुखदुखी बनी छे कि डोली वाला सब नया छन कग बटन आया होला कग बटन आना होला हमने आपते पिछली बार ही बोली आज भगवती का थान बटन बोलना छन माँ धारी देवी की जो थान छ जो डोली छे माँ भगवती को मुख्य स्थान यखम छे और यखम ही रोल हुए थे यज्ञ बटन कोई नहीं हटा सकदो परंतु वे क्या भक्त नाना प्रकार का भक्त छन वे मां एक कण को धूल में व्याप्त समझणो छो अब वह भगवती को आशीर्वाद से भी कि देव प्रतिष्ठा डोली हमने बने और देहरादून में अपरा निवास स्थान जी ब्लॉक नेहरू कॉलोनी में वह डोली हमारे धरी छे और प्रत्येक वर्ष मां भगवती से मैं संकल्पित छो कि हे मां प्रत्येक वर्ष तुम्हारा जो चे हम यात्रा वार्षिक में प्रत्येक साल हम यह मौका में ना मकर संक्रांत बसंत पंचमी जो भी पर्व पुड़ला तो ये बार भगवती ने कुंभ को स्नान ले कुंभ पर्व पर्व में भगवती ने जान चे 16 तारीख हम जो चे 11 तारीख देवप्रयाग में 16 तारीख हरिद्वार 17 तारीख हरिद्वार में भगवती ने स्नान कन वे का बाद जो चे माँ की देव डोली जो चे फिर पूर्ण वेगिता है फिर देहरादून में ही विराम लेन ये बार धारी देवी बटन सुनो पहले हम धारी देवी देहरादून बटन शुरू करता चाह तो धारी देवी में पूर्ण ये बार धारी देवी बटन शुरू करना छन और देहरादून में ही यात्रा तय हमने विराम देन और जो सबसे बड़ी हर्ष की बात छे कि मन में बहुत बात है जान दी कि डोली का बटन छे तो डोली हमारी अपरिचय फिर बुनना चाह ये बार सबसे मुख्य बात यह छे कि स्वयं यज्ञ बटन है परम सद्य परम आचार्य गुरुदेव जो हमारे जीवन माँ धारी देवी की डोली की प्राण प्रतिष्ठा करी च उस स्वयं ये बार हम दगड़ी माँ भगवती का आदेश अनुसार उच्चना छन और पूरा 21 दिन तक है उन भगवती का अग्नि संकल्पित वेगी हम तक हमें अभी आश्वासन दिए ली कि ये बार डोली यात्रा में आप दगड़ी स्वयं मन से इच्छा जताई चाहे मैं भगवती ने बोली हम आदरणीय श्री लक्ष्म प्रसाद पांडे जी को प्रणाम करी तय नतमस्तक वेगते हैं उतें प्रणाम करता कि गुरुदेव आपने जो साक्षात यख हमारे मन की जैते बोलता सोना मा सुहागा तो यक साक्षात जय का पल जय मु नाक चुवे मु सोना नहीं जय मु सोनो चुवे मु नाक नहीं परंतु यक हम जो भगवती के दरबार में चुवे हम खाली नहीं लौट दो और जो मन में दुख दी जाए साक्षात गुरु जी होना चाहे आज ये बार आपते भगवती की पूजा पिठाई जो भगवती की पिठाई होली।
भगवती का हाथ धारो प्रत्येक जगह स्थानों पर है मिन्न, जो भगवती का जुनियाद होला वो प्रत्येक स्थानों में मिन्न जग जग भगवती की डोली यात्रा पर आप ते हम अवगत करवाना रोला माँ धारी देवी डोली पेज हमारे बने च आप ही माँ जुड़ा माँ धारी देवी डोली फेसबुक में भी छाओ डोली पेज भी ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम हम माँ धारी देवी डोली इंस्टाग्राम से भी आप लोग जुड़ा क्योंकि जो भी यात्रा के संबंधित हम बात रखना चाह हम वे माँ बोला आज पहले की भांति फिर कि वे पेज से लाइव ऑन छो नेटवर्क का कारण हम नहीं आ सकिया ये को ते हम क्षमा प्रार्थी छा और अधिक से अधिक आप लोग जुड़िया। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोली तय परम श्रद्धे जो प्रातः स्मरण है गुरुदेव छन जो माँ भगवती की दिन रात की एक हम सेवा करना छन है आदरणीय आचार्य लक्ष्मण प्रसाद पांडे जी मैं उसे निवेदन कर लूँ कि गुरुदेव आप भी अपरा भक्तों ते जो संदेश वे संदेश का माध्यम से कि कै प्रकार से ये यात्रा की शुरुआत होनी चे और कक कक तक उतवन में आप ते बतले कक कक तक यात्रा च माँ धारी देवी बटन रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग बटन हरिद्वार रुड़की मेरठ और मेरठ बटन दिल्ली का क्षेत्रों में सिर्फ हमन ईदगाह और 101 पड़ाव हमारी भगवती का रखा छन अग्नि हमी भगवती की छच की कक कक व कर दी क्या हुआ भी बहुत ये पूर्व में ना करना छन तो आदरणीय मी निधनो छो आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद पांडे जी से जो माँ भगवती का ये हम सुबह शाम दिन रात की आरती करना छा जब हमने आरती आपते लाइव दिखे तो गुरु जी का द्वारा ही तो मैं जान चाह गुरु जी का पास और प्रणाम गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु जी आप साक्षात लाइव देखना छा मैं ये बार आपको क्या संदेश है अपना भक्तों थे थोड़ा आप ये माँ प्रकाश जल्दा जय माँ धारी देवी प्रिय भक्तों ये बारी मेरे विचार बनी कि मैं भी यूँ दड़ी माँ का जो डोली का साथ में निकलूँ और चार तारीख बटी एक पार थी चार पाँच छः पार्टन और सात तारीख एक बटी हम लोग प्रस्थान कर ला जग जग जो जो भक्त हम तब मिला वो तमाम को प्रसाद मिल लूँ और विशेष रूप से कि अब देवी एक का 7-8 साल होगी नहीं स्थान में और ये मैं जागरूक कर लूँ जनता तय माँ का भक्त होता है कि जल्दी से मैं अगर ये प्रयास करें कि ताकि हम देवी तय यथा स्थान जो भव्य स्थान बने हुए वो मो स्थापना होने के कारण धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव और आपन स्वयं सुने लिखे स्वयं गुरु जी होना छे और मतलब यख एक है मतलब हम तो खाली झोली लेके आया छा झोली भरेगी हम जो चढ़ना छा हमारे जो यात्रा में जो हमारे गुरुदेव साथ चलना छन आप लोगों तक पहुंचना छन स्पष्टीकरण साफ और सिद्धि बात हम धारी देवी का भक्त छा उपासक बनया छा अब होते अपने मन की शांति के वह भगवती चाली हम तक कह देंदी करनी देंदी वह भगवती चाली और अधिक से अधिक संख्या में माँ बाप बीच में पहुंचना छा सिर्फ ये बार दी गज की दूरी और मास्क जो जरूरी है अभी हम भी जो चाह बिल्कुल अकेला चाहते आप हमारे बीच में और हमारा आदरणीय वेंकट जी तो मैं थोड़ा पिछले होना चाहो तो विशेष सावधान का बन के उत्तराखंड में ये को प्रभाव छे छे पर देवी देवताओं का थान मा अगर हम ये कोरोना से डर गया तो समझ लिया हमारे का वर्णन तो आप सब तय यही है कि भी इनका बात बोली थे प्रणाम और अग्रे अग्रे जन जन हमारी बात बोली हम आप तक पहुंचोला ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप 7 तारीख को 7 फरवरी दिन रविवार जब कभी दीदी भूली बैबंद ये बातें सुनना चाहन अधिक से अधिक संख्या में आपन यज्ञ धारी देवी पहुंचन ची और जब कभी दिन भगवती आते हैं जो मनों की कामना कहीं पूर्ण वेदन भेजाओ मैं माँ भगवती से आपकी दीर्घायु की प्रार्थना की खातिर आपकी मंगल कामना की खातिर जय हो विजय हो जय माँ धारी देवी।